तो यहाँ पर बहुत सारी लीक्स रूमर्स आ रही है iPhone 13 के रिलेटेड कि भाई ये होगा, नेमिंग स्कीम डिज़ाइन ऐसा होने वाला है, बैटरी ऐसा होने वाला है, यहाँ पर हमें कैमरा इंप्रूवमेंट्स मिलेंगी, फ्रंट और बैक में LTPO डिस्प्ले होने वाली है, OLED होगा 120Hz के साथ, यहाँ पर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले होगा, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। बट यहाँ पर मेरे थॉट्स क्या है कि भाई क्या चीज़ें हो सकती है, क्या चीज़ें नहीं हो सकती है, उसके ऊपर मैं आपको आंसर दूंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं नेमिंग स्कीम के बारे में। तो यहाँ पर iPhone 13/12S सीरीज आपको बोलना है तो आप वो भी बोल सकते हो। एंड इसके बाद हमें मिलने वाला है iPhone 13 mini, और उसके बाद होगा iPhone 13 Pro एंड 13 Pro Max। यहाँ पर आप S लगा के 12 कर दोगे तो भी वो सुटेबल नेम लगेगा, बट यहाँ पर मुझे नहीं लगता है कि भाई वो नेमिंग स्कीम होगी, क्योंकि यहाँ पर हमें नॉच एंड कैमरास एंड यहाँ पर हमें डिस्प्ले में इतनी इंप्रूवमेंट्स मिलेगी, तो उसके हिसाब से मुझे लगता है कि भाई ये एस ईयर का कोई अपग्रेड नहीं हो सकता है। लेट्स सी क्या होता है। अभी तो फिलहाल लीक्स रूमर्स के हिसाब से बहुत चीज़ें श्योर नहीं है, कुछ चीज़ें श्योर है, तो ये चीज़ों को क्रॉस फिंगर के साथ रखते हैं। एंड यहाँ पर बात करते हैं थिकनेस के बारे में, मतलब जो ओवरऑल जो डिज़ाइन जो बहुत ही अच्छा है आईफोन 12 में वैसा ही होने वाला है, बट यहाँ पर जो थिकनेस है वो जो पिछले साल आईफोन 12 का था वैसा नहीं होने वाला है। यहाँ पर हमें स्लाइटली इंक्रीज मिलने वाली है थिकनेस, क्योंकि यहाँ पर हमें जो बैटरी है स्पेशली यहाँ पर जो 13 प्रो मैक्स है उसमें तो बहुत ही लार्जर होने वाली है। बट यहाँ पर आपको इतना बोल दूं कि भाई ये जो थिकनेस है उतना नोटिसेबल वियर्ड नहीं लगेगा, हाथ में ग्रिप करोगे केस के साथ लगाओगे तो इतना वियर्ड भी नहीं लगने वाला है, तो यहाँ से कोई यूजर एक्सपीरियंस खराब नहीं होगा। यहाँ पर बताया जा रहा है कि भाई 0.5 mm बढ़ सकता है थिकनेस एज पर जो सोर्स है उसके हिसाब से, तो अराउंड समथिंग यहाँ पर 7.9 mm बढ़ जाएगा। अगर आप देखते हो आईफोन 12 को, वहां पर मिलता है 7.4 mm की थिकनेस पे, तो ये चीजें के हिसाब से आपको पता चल जाता है कि भाई क्या होने वाला है। सो यहाँ पर बात करते हैं नॉच के बारे में। तो यहाँ पर ये साल बताया जा रहा है कि भाई ये जो नॉच है वो स्मॉलर होने वाली है, आईफोन 10 से जो अभी तक आई है रिपीट हो रही है वो बहुत ही पतली होने वाली है नॉच एंड स्मॉलर भी होने वाली है। अब यहाँ पर जो स्पीकर्स एंड सेंसर्स जो है वो बहुत ही श्रंक डाउन किए हैं, 40% जो सेंसर्स है वो किया है, कैमरास को नहीं किया है, कैमरा वैसा ही रहने वाला है जैसा ये साल है। और यहाँ पर जो स्पीकर है वो ऊपर चला जाएगा, तो उसके हिसाब से यहाँ पर जो स्पीकर है उसकी क्वालिटी भी इतनी बिगड़ने नहीं वाली है, बस वहां पर उसका जो प्लेसमेंट है वो चेंज होगा। सबसे पहले बात करते हैं डिस्प्ले साइज के बारे में। तो यहाँ पर जो सबसे पहले 13 मिनी होगा उसमें हमें मिलने वाला है 5.4 इंच का OLED डिस्प्ले, वो भी ब्राइटर होगा, और यहाँ पर हमें 60Hz का डिस्प्ले मिलने वाला है। और यहाँ पर जो दूसरा फोन आता है नॉन प्रोमेस 6.1 इंच का iPhone 13, वो हमें देगा ब्राइटर डिस्प्ले, बट यहाँ पर जो रिफ्रेश रेट है यहाँ पर भी हमें कम देखने को मिलता है 60Hz, जो मुझे लगता है कि भाई आजकल के टाइम पे इतना वियर्ड है। देखो भाई एप्पल जो है वो 60Hz को भी इतना स्मूथ बनाता है, एकदम एक्यूरेट होता है, बट फिलहाल अभी यहाँ पर मैं देखता हूँ बहुत सारे रिव्यूज, यहाँ पर बहुत सारे लोगों के थॉट्स देखता हूँ कमेंट सेक्शन में, तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई 60Hz अभी एप्पल को बंद कर देना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि भाई 60Hz अभी देना चाहिए, आपके क्या थॉट्स है वो बताना। और यहाँ पर हमें मिलता है प्रो सीरीज में 6.1 इंच, 6.7 इंच का प्रो सीरीज का आईफोन, यहाँ पर प्रो एंड प्रो मैक्स है, और यहाँ पर हमें मिलने वाला है LTPO OLED डिस्प्ले विथ 120Hz। यहाँ पर हमें ब्राइटनेस में भी इम्प्रूवमेंट मिलने वाली है स्लाइटली, प्रोपर्स यहाँ पर हमें एक्स्ट्रा बोनस मिलता है, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले मिलने वाली है, बहुत ही एक्यूरेट सोर्स की तरफ से इन्फॉर्मेशन आती है। यहाँ पर अच्छा रेफरेंस है मार्क गर्मन का, तो यहाँ पर ये चीजें आप नोट कर सकते हो। फिर उसके बाद बात करते हैं चिपसेट के बारे में। तो यहाँ पर हमें मिलने वाला है A15 बायोनिक चिपसेट, जो 5nm पे ही बेस्ड होने वाला है, तो उससे ज्यादा नीचे नहीं जाने वाला है। यहाँ पर एक और न्यूज है 5G के रिलेटेड, यहाँ पर कुछ रिपोर्ट्स है जो बता रही है कि भाई iPhone 13 सीरीज का पूरा जो लाइनअप होने वाला है वो सब 6 GB पूरे ग्लोबली में अवेलेबल कर देगा, तो ये अच्छी न्यूज है। और यहाँ पर जो पिछले साल के iPhone 12 आए थे उसमें भी हमें सब 6 GB का सपोर्ट मिलता था, और वो ग्लोबली नहीं गया था, वो US में ही था एक्सक्लूसिवली। और यहाँ पर साथ में साथ हमें Wi-Fi 6E मिलने वाला है, ये 6Hz को सपोर्ट करता है बैंड्स को, यहाँ पर हमें फास्टर डेटा रेट्स मिलते हैं, और यहाँ पर परफॉर्मेंस में जो हायर लेटेंसी है वो भी बहुत ही लो हो जाती है। ये जो फीचर है ना, पर्सनली बोलूं तो भाई मुझे बहुत ही अच्छा लगा है, क्योंकि यहाँ पर मुझे वीडियोस अपलोड करना होता है, एक्सपोर्ट करना होता है, तो यहाँ पर अगर ये सपोर्ट आता है ना तो थोड़ा मुझे यहाँ पर एक्सपोर्टिंग के टाइमिंग पे थोड़ी बहुत जो प्रॉब्लम होती है ना वो सॉल्व हो जाएगी। अब लेट्स सी क्या होता है। पर अभी बात करते हैं बैटरी साइज के बारे में। यहाँ पर जो ये 13 सीरीज है उसकी जो बैटरी लाइफ है बहुत ही इंप्रूव होने वाली है, स्पेशली प्रो मैक्स का। बट यहाँ पर आपको MAH बता देता हूँ, मैंने सारी वीडियोस बनाई है सेपरेट, बट यहाँ पर जो सारा जो डाउट है ना एक ही वीडियो में मुझे पूरा क्लियर अप करना था, इसी के लिए मैं ये चीजों को अभी एड ऑन कर रहा हूँ। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि भाई यहाँ पर जो 13 एंड 13 प्रो है वो हमें देने वाला है 3095 mAh का बैटरी, और ये लास्ट ईयर iPhone 12 एंड iPhone 12 उसके कंपेरिजन में ज्यादा इम्प्रूव होने वाला है। वहां पर हमें मिलता था 2815 mAh बैटरी, यहाँ पर अभी जो 13 मिनी 2406 mAh की बैटरी देने वाला है। यहाँ पर हमें स्लाइटली ट्वीक देखने को मिलता है, पिछली बार जो 12 मिनी था वो हमें देता था 2227 mAh की बैटरी,
जो बहुत ही स्लाइटली इम्प्रूव हुई। यहाँ पर मैं ये चीज क्लियर अप कर दूं, अगर आप नंबर्स में जाओगे ना तो इतना डिफरेंशिएट नहीं मिलने वाला पिछले जनरेशन के और अभी अपकमिंग जो आने वाला है उस जनरेशन में। यहाँ पर जो एप्पल है वो बैटरी साइज पे फोकस इतना नहीं करता है, परफॉर्मेंस, और यहाँ पर जो सॉफ्टवेयर है वो बैटरी लाइफ को कैसे ट्वीक करके इम्प्रूव कर सकता है, कैसे एनहेंस कर सकता है वो उस पर ज्यादा फोकस करता है। तो यहाँ पर आपको आराम से 1-2 आवर्स का एकदम एक्स्ट्रा बैटरी लाइफ देखने को मिल सकता है। यहाँ पर आखिरी जो फोन है वो होने वाला है iPhone 13 Pro Max, जो एकदम लार्जर भी होने वाला है साइज के फॉर्म फैक्टर, और यहाँ पर हमें मिलता है 4352 mAh की बैटरी, जो बहुत ही मार्जिनल 18% इंक्रीज हुई है। तो आप ये चीज नोट कर सकते हो 12 प्रो मैक्स के कंपैरिजन में, और 12 प्रो मैक्स जो है वो पूरा 1.5 दिन निकाल लेता है। वाईफाई के थ्रू से चलाओ तो ऐसा होता है, अगर आप वाईफाई के थ्रू से नहीं चलाते हो, नेट यूज करते हो, अगर आप यहाँ पर पूरा दिन 4G यूज करते हो तो यहाँ पर आपको पूरा 1 दिन तो मिलने वाला है आराम से। यहाँ पर अभी बात करते हैं स्टोरेज इन्फिग्रेशन के बारे में। यहाँ पर हमें जो नॉन प्रो मिलने वाले हैं 64 GB उसमें मिलेगा, और यहाँ पर हमें 128 GB और यहाँ पर हमें 256 GB देखने को मिलने वाला है। तो ये चीज मुझे सही नहीं लगती है 2021 के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पर अभी बहुत सारे जो स्मार्टफोन्स है वो 128 GB 20 वेरिएंट कर दिए हैं। यहाँ पर ये जो आईफोन्स आते हैं वो थोड़े एक्सपेंसिव है, तो मुझे लगता है कि भाई 128 GB 20 वेरिएंट कर देना चाहिए एप्पल को। आपके क्या थॉट्स है? अब मुझे तो लगता है कि भाई 64 GB देगा एप्पल ये साल। यहाँ पर बात करते हैं iPhone 13 Pro 13 Pro Max के बारे में। यहाँ पर हमें मिलता है 128 GB 256 GB 512 GB, और यहाँ पर हमें 1 TB भी मिलने वाला था, बट यहाँ पर अभी ये जो चीजें हैं वो नेक्स्ट ईयर पे ट्रांसफर कर दी है। मुझे लगा कि भाई 1 TB दे देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इतना लाख रुपए स्पेंड करते हैं तो उनको इतना भी स्टोरेज चाहिए होगा, क्योंकि बहुत लोग प्रोफेशनल काम करते हैं, कोई व्लॉगिंग करता है, कुछ अपलोड करता है, तो उसके सबसे वो लोगों को काम आता है। और यहाँ पर एक और चीज बता देता हूँ, यहाँ पर जो टच आईडी सेंसर है वो ये साल नहीं आने वाला, तो यहाँ पर आपको अंडर डिस्प्ले या फिर मतलब साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर आने वाला था, वो चीज कैंसिल हो चुकी। ये जो चीजें है ना वो 85% श्योर है, एंड यहाँ पर जो डमी यूनिट है उसमें भी ऐसा कुछ कंफर्मेशन नहीं मिला है। अब यहाँ पर बात करते हैं कैमरास के बारे में। तो यहाँ पर अभी जो नॉन प्रो होने वाला है उसमें हमें कैमरा जो लेआउट है बैक साइड में डायगोनल होगा। यहाँ पर अभी जो कैट फाइल्स आए हैं और यहाँ पर अभी जो डमी यूनिट्स जो हाई लेवल के एकदम बहुत ही अच्छी क्वालिटी के आए हैं उसको देखते हुए इतना बुरा नहीं लग रहा है, बट स्टिल आपके इसके ऊपर क्या थॉट्स है वो बताना। और यहाँ पर अभी जो कैमरा लेआउट है बैक साइड में उसको ऐसे नहीं किया है, नाम का मतलब ऐसा डिजाइन को डिफरेंशिएट करने के लिए ऐसा नहीं किया गया है। यहाँ पर जो सेंसर्स है वो भी इम्प्रूव होने वाले हैं, लार्जर सेंसर्स मिलने वाले हैं। यहाँ पर जो 13 प्रो है उसके जैसे सेंसर्स होंगे, बट यहाँ पर स्लाइटली ट्वीक्स किए गए। उन पर बताया जा रहा है कि भाई यहाँ पर हमें इम्प्रूव ऑप्टिकल लेंस मिलने वाला है, वो भी जूमिंग के लिए। और यहाँ पर अगर आपको वीडियो रिकॉर्डिंग कर या फिर मतलब ऐसे भागते भागते करो वीडियो शूट, तो वो भी बहुत ही अच्छे खासे वे में होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जो नॉन प्रो है उसमें हमें सेंसर शिफ्ट मिलने वाला है। सीरियसली बोलूं, मेरे पास आईफोन 12 प्रो मैक्स पड़ा है, उसका जो सेंसर शिफ्ट है वो बहुत ही अच्छा है, स्टेबल भी है, एंड अगर आपको भागते भागते काम करना है ना तो भाई बहुत ही अच्छा होने वाला है। और ये जो सेंसर शिफ्ट होगा वैसा ही होगा, या फिर मतलब आप बोल सकते हो कि भाई ये नेक्स्ट जनरेशन का होगा, तो उससे भी आपको बहुत ही इंप्रूवमेंट्स मिलेगी। यहाँ पर बताया जा रहा है कि भाई पोर्ट्रेट मोड वीडियो भी आने वाला है, उसके ऊपर कोई आइडिया नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन इतना नहीं है कि भाई ये कहाँ होने वाला है, बैक साइड के कैमरा सपोर्ट करेंगे या फिर मतलब फ्रंट के कैमरा सपोर्ट करेंगे या फिर मतलब पूरे लाइनअप में हमें देखने को मिले वो भी श्योर नहीं है। यहाँ पर अभी बात करते हैं 13 प्रो एंड 13 प्रो मैक्स के बारे में। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि भाई यहाँ पर हमें जो कैमरा सेंसर है वो ये साल जो आईफोन नॉन प्रो है उसके कंपैरिजन में भी बहुत ही लार्जर एंड बिगर सेंसर देखने को मिले, क्योंकि यहाँ पर जो एपर्चर्स है, यहाँ पर अगर आपको बहुत सारी वीडियो शूट करनी, जूम करके वीडियो शूट करनी है, मतलब कुछ भी करना है, वो चीजें सॉर्ट आउट करा है एप्पल ये प्रो सीरीज में। यहाँ पर हमें सेम ऑप्टिकल जूम लेंस इंप्रूव होने वाला है, और यहाँ पर जो पोर्ट्रेट वीडियो है उसका भी सेम सपोर्ट होगा। अभी यहाँ पर बात करते हैं चार्जिंग के रिलेटेड, जैसे कि ये बॉक्स मिलता है इतना पतला वैसा ही देखने को मिलने वाला है, बस यहाँ पर जो मैक्सेफ का टेक्नोलॉजी ये साल जो इंट्रोड्यूस किया गया आईफोन 12 सीरीज में वो ये साल इम्प्रूव होने वाला है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि भाई यहाँ पर जो मैक्स सेफ है वो थोड़ा लार्जर होने वाला है, और यहाँ पर हमें रिवर्स वायरलेस चार्जिंग इसके थ्रू से एनेबल कर देगा एप्पल। अगर आपको अपने एयरपोर्ट्स को चार्ज करना है, एप्पल वॉच को करना है, जिसको भी करना है जो ये चीजों को सपोर्ट करता है वायरलेस चार्जिंग, रिवर्स वायरलेस चार्जिंग को, तो आप उसके थ्रू से उसको चार्ज कर सकते हो। इवन अगर आपके पास पुराना आईफोन है जो ग्लास पैक के साथ आता है, वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करता है, तो अगर आप उसके पीछे भी लगाओगे आईफोन 13 सीरीज के कोई भी स्मार्टफोन के ऊपर, तो वो भी उसको चार्ज करेगा, मतलब स्मार्टफोन से स्मार्टफोन को चार्ज करना। अब यहाँ पर जो नॉन प्रो है उसमें जो 13 एंड 13 मिनी मिलता है उसमें हमें मिलने वाला ऑरेंज एंड डार्क ब्लू एंड रेड एंड व्हाइट एंड ब्लैक। तो यहाँ पर अभी जो प्रो एंड प्रो मैक्स होने वाला है उसमें हमें कन्फर्म है कि भाई ब्राउन कलर, सिल्वर, गोल्ड एंड मैट ब्लैक मिलने वाला। यहाँ पर बात करते हैं प्राइसिंग के बारे में।
तो यहाँ पर जो प्राइसिंग है वो ये साल के आईफोन की तरह सेम ही रहने वाली है, बट यहाँ पर एक्सपोर्ट ड्यूटी, इंपोर्ट ट्रांसपोर्ट का जो सीन है ना, उसके हिसाब से थोड़ा डिफरेंशिएट हो सकता है। तो ये चीज़ों को भी आपको पकड़ के चलना है कि भाई यूएस का जो प्राइसिंग है वो वहाँ पर सेम रहेगा, बट यहाँ पर जो इंडिया में आते आते जो प्राइसिंग है वो चेंज हो सकती है। सो दैट्स अबाउट इट। यहाँ पर जो सारी चीज़ें हैं वो मैंने क्लियर अप कर दी है आईफोन 13 सीरीज के रिलेटेड /12S सीरीज। और कुछ क्वेश्चन है, डाउट है, इश्यू है, प्रॉब्लम है, मैंने सारे जो लीक्स रूमर्स आए थे हफ्ते महीने में जो भी आए सारे मिक्स करके आपको बता दिए है। तो यहाँ पर जो फिलहाल वीडियो है वो खत्म हो जाती है। यहाँ पर अभी जो वीडियो है उसको थम्स अप करो और यहाँ पर जो शेयर है उसको करना मत भूलना, और साथ में साथ यहाँ पर जो सब्सक्राइब का बटन है उसको भाई दबाना मत भूलना।